तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस तहे दिल से। तो आज का अपडेट है गाइस, ये है मुरादनगर का एरिया, देख सकते हैं। और ये हम जा रहे हैं मोदी नगर की साइड में। और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो RRTS जो बनाई जा रही है, इसकी जो पिलर हैं वो बिल्कुल यहाँ पर कम्प्लीट हो चुके हैं। अब ये बस लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाने का प्रोसेसिंग चलने लगा है गाइस। तो देख सकते हैं तस्वीर है, और ये हम अब चल रहे हैं यहाँ से गाजियाबाद की साइड में। तो अभी है मुरादनगर का एरिया देख सकते हैं, और अभी आने वाला है छोटा हरिद्वार, जिसे बोलते हैं यानी कि गंग नहर। तो अभी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर पिलर बिल्कुल कम्प्लीट हो चुके हैं ये वाले, और जो बचे हैं जो गंग नहर के पास पास के जो पिलर बने हुए हैं उन पर ये देखिए वर्क चल रहा है। ये देख सकते हैं ये पिलर खड़े कर दिए गए हैं, इनका स्ट्रक्चर। अब इनको कंक्रीट की मदद से ये भरा जाना है गाइस, और भर जाने के बाद में फिर इस पर पिलर कैप किया जाएगा। पिलर कैप होने के बाद में एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ दिया जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं एरिया आप लोग, ये गंग नहर आ चुकी है यहाँ की। तो देख सकते हैं दोनों साइड में, क्योंकि ये बीच में रोड चल रहा है, तो इसकी राइट साइड में ये मेट्रो, ये रैपिड रेल घुमा दी गई है गाइस। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था उधर का व्यू, और आज आप लोग इस साइड के देख लीजिए कि इस साइड से कितना वर्क हो चुका है, कितना दिखाई देता है। तो ये देखिए गंग नहर का ये ब्रिज आ चुका है, और गंग नहर के बीच में ये एक पिलर है RRTS का, और इसके दो पिलर हैं साइडों में गंग नहर के साइड में गाइस। तो वो भी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए गाइस केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हैं ये यहाँ से ये पिलर खड़े हो गए, ये अभी बने नहीं हैं क्योंकि इनमें दोनों साइड में पिलर बनेंगे, राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो इसलिए जोड़ा जाएगा ये। तो ये देखिए इनके स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा, और यहाँ से ये मुरादनगर अभी स्टार्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हैं आगे चलकर आप लोगों को मुरादनगर का भी स्टेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि और आपको बता दूं कि जो बीच का डिवाइडर है वो भी बनाया जा रहा है, देख सकते हैं तस्वीरें, क्योंकि यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें बीच का डिवाइडर बना दिया गया है, देख सकते हैं ये काम चल रहा है इस पर बीच के डिवाइडर पे। तो कहीं कहीं काम चल रहा है, और कहीं कहीं इस पर वर्क चल रहा है ऊपर का RRTS का। तो यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है नीचे से ऊपर तक का, तो इसलिए यहाँ पर ये बीच का डिवाइडर बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद में प्लांटिंग की जाएगी, प्लांटिंग हो जाने के बाद में इसको हरा भरा कर दिया जाएगा, यानी कि ग्रीन ग्रीन हो जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और ये मुरादनगर का स्टेशन आ चुका है। और आपको बता दूं जो दोनों साइड के लेफ्ट और राइट के जो साइड हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए गए हैं, बस अब इन पे गाटर लॉन्चिंग होनी है, बस इनके ऊपर गाटर लॉन्चिंग होनी है। और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा, और फिर इसके बाद में टीन सेट का काम होगा। इस पर टीन सेट भी अभी डाला जाएगा, तो अभी नहीं पड़ा हुआ है, देख सकते हैं अभी लेफ्ट और राइट के ये सेट ही चिपका के कंप्लीट कर दिए गए हैं गाइस। तो देख सकते हैं अभी ऊपर का भी वर्क चल रहा है, और नीचे भी देख सकते हैं ये लगा हुआ है इनका सेटरिंग। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये लॉन्चर लगा हुआ है गाइस, जो कि इसका गाजियाबाद की साइड में मुँह है इस लॉन्चर का। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं दुहाई तक कितना वर्क हो चुका है, कहाँ कहाँ लॉन्चर लगा हुआ है, वो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और कहाँ पर किस जगह इसके ब्लैक, ये क्या नाम है, पिलर कैपिंग का काम किया जाएगा, कहाँ पर पिलर कैप कंप्लीट हो चुके हैं, कहाँ पर लॉन्चर लगा हुआ है, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाई देगा गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉन्चर रख दिया गया था, और इसका मुँह है अभी गाजियाबाद की साइड में, और देख सकते हैं इसने चार पांच पिलर जॉइंट कर भी दिए गए हैं गाइस, कर दिए इस लॉन्चर ने। तो देख सकते हैं तेज़ी के साथ में यहां पर वर्क कर रहा है ये लॉन्चर, और ये जिसका मुंह है गाजियाबाद की साइड में, देख सकते हैं एक पिलर से दूसरे पिलर को बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी के साथ में कम्प्लीट कर देता है, ये जोड़ देता है गाइस। और आपको बता दो ये एक हफ्ते के अंदर में एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर देता है,
एक हफ्ता ही लगता है। और अगर इन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी हो ना, सारा मतलब जो कंट्रक्टर सामान इन्हें बिल्कुल प्रॉपर मिल जाए, तो ये 3 से 4 दिन में बिल्कुल एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर देते हैं जल्दी से। तो आप लोग तस्वीरें देखो, और ऐसे ही मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ गाइस। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहता हूँ गाइस। इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आते रहते हैं केपी संत के चैनल पर गाइस। और दूसरा लॉन्चर आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, और देख सकते हैं ये किस तरीके से ये इस स्ट्रक्चर को उठाता है और किस तरीके से ये चिपकाता है, आप लोग अपनी नज़रों से देख सकते हैं गाइस। देख सकते हैं ये लॉन्चर का इस तरीके का काम होता है, देख सकते हैं किस तरीके से ये उठाता है और किस तरीके से ये जोड़ता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग और बहुत हाई लेवल से इनकी जो चिपकाने का जो जो मतलब मटेरियल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है गाइस, क्यों वहाँ से छुट नहीं सकता है, दूसरी जगह से बेशक टूट जाए ये, लेकिन जहाँ से ये चिपकाते हैं वहाँ से बिल्कुल छूटने की कोई संभावना ही नहीं हो सकती। इतना हार्ड केमिकल होता है, इतना हार्ड केमिकल होता है, क्या ही बताएं आप सबको गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग, इंजॉय करो। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna...
गाइस आपको बता दूं, एक लॉन्चर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है इस पिलर पे, और दूसरा लॉन्चर आगे देखने के लिए मिलेगा, और ये आ जाता है दोहाई गाजियाबाद, यानी कि हमारे NCR का पेरिफेरल, ईस्टर्न पेरिफेरल। देख सकते हैं कुंडली, पलवल, ये चला जाता है। और आपको बता दूं कि यहाँ की जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची देखने के लिए मिलेगा, और देखिए यहाँ पर कहीं कहीं जो बचे हुए हैं पिलर हैं उन पर पिलर कैपिंग का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं ये पिलर कैपिंग का काम किया जा रहा है, और वो आगे देखने के लिए मिलेगा लॉन्चर, वो लास्ट में आप लोगों को देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये घुमा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या नाम है, पिलर कैप लगाया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है, तो इधर से ये घुमा दिया गया है। गाइस आप लोग तस्वीरें अपनी आँखों से देख सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। गाइस देख सकते हैं लॉन्चर ये लगा हुआ है, और चलिए तो आप लोग इन्जॉय कीजिए, और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो आपका दिन शुभ रहे।